कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार व बर्बरता पर बनी कश्मीर फाइल्स फिल्म आज अयोध्या के संतों ने फैजाबाद शहर के पैराडाइज सिनेमा हॉल में देखी। फिल्म देखने के बाद फायर ब्रांड भाजपा के पूर्व सांसद प्रख्यात कथावाचक डॉक्टर रामविलास दास वेदांती ने कहा कि फिल्म में कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार पर हकीकत दिखाई गई है और यह हकीकत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते थे। तभी 5 अगस्त 2019 को धारा 370 और 35A समाप्त कर इसका बदला ले लिया। डॉक्टर रामविलास दास वेदांती ने कहा कि 1985 और 90 के बीच खुद कश्मीर गए थे और उनके साथ अशोक सिंगल, गिरिराज किशोर भी थे जो फिल्म में दिखाया गया है और उससे भी भयावह हकीकत देखकर लौटे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को देश भूल नहीं सकता। आतंकवादियों ने जिस तरह से कश्मीरी पंडितों की हत्या कर उनके परिवार वालों को कश्मीर से निकाला था, इसका बदला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 हटाकर 2019 में लिया। अयोध्या के संत वरुण दास ने कहा कि फिल्म में कश्मीर की हकीकत दिखाई गई है। कश्मीरी पंडितों की हत्या कर उनके परिवार वालों को कश्मीर से बाहर निकाल दिया गया था। उन्होंने कहा कि कपिल शर्मा ने इस फिल्म को प्रमोट करने से मना कर दिया था, इसलिए कपिल शर्मा के शो को प्रतिबंधित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कश्मीर फाइल्स फिल्म को प्रमोट ना कर कपिल शर्मा ने गलत काम किया है, इसलिए उनको कपिल शर्मा शो को बैन कर देना चाहिए। आज लगभग एक दर्जन से अधिक संतों ने कश्मीर फाइल फिल्म देखी और अपनी प्रतिक्रिया दी। बहुत ही सुंदर फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है और हकीकत, कश्मीर के हकीकत को व्यक्त करने वाली फिल्म है। जो कश्मीर कभी स्वर्ग था वो किस प्रकार से आतंकवादियों के कारण नर्क हुआ, जो भी दृश्य दिखाई गई बहुत साहसिक और हिम्मती काम है। और कपिल शर्मा ने जो इस शो को प्रमोट करने से रोका, मैं तो चाहूँगा जो पूरे भारत के लोग कपिल शर्मा शो को भी रोके, कोई ना देखे। और कश्मीर की जो व्यथा है, जो समस्या है, उस समस्या को अभी तो इसमें कम दिखाया गया, इससे भी विभत्स दृश्य थे, इससे भी गड़बड़ दृश्य थे वहाँ पर। कश्मीरी पंडितों को न्याय पूर्ण रूप से तब मिलेगा जब विस्थापित पंडित पुनः अपने घर में जाएंगे, पुनः अपने जन्नत में जाएंगे। मैंने तो पिक्चर में देखा अभी यहाँ, लेकिन मुझे याद है सन 85-86 में मैं जम्मू कश्मीर का दौरा किया था, 15 दिन का था। अशोक सिंघल जी मेरे साथ थे, आचार्य गिरिराज किशोर जी थे, और मैं जैसा शिविर में पंडितों को यहाँ रखा गया था, दिखाया गया था, वो दृश्य मैंने स्वयं जाके कश्मीर में देखा था। कैसे हिंदू लड़के लड़कियाँ स्त्रियाँ पुरुष सब एक कैंप में रहते थे और बाहर निकलने के बाद वहाँ के आतंकवादी गोलियों से मार देते थे। और मुझे ऐसा लगता है कि इस दृश्य को भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा था। तभी 2014 में उन्होंने जो संकल्प लिया था कि हम 370 धारा समाप्त करेंगे, ये जो लड़ाई देखी मैंने, 370 धारा और 35A समाप्त करने की लड़ाई थी। और इस लड़ाई में जो हिंदुओं ने बलिदान दिया, पंडितों ने बलिदान दिया, मुझे ऐसा लगता है कि उन आतंकवादियों का बदला 5 अगस्त 2019 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ले लिया। और अब कश्मीर भारत का वह आज़ाद अंग है जिसको दुनिया की कोई ताकत भारत से अलग नहीं कर सकती। आतंकवादियों ने और कांग्रेसियों ने, विशेषकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये 370 धारा दिया था, जिसके विरोध में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या जहां पर हुई वो दृश्य भी मैंने देखा, मैं तो स्वयं जाकर के भी देखा था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो बलिदान था 2019 में 5 अगस्त को 370 धारा और 35A समाप्त करके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन आतंकवादियों का बदला ले लिया।